अजीज अहमद आओ खाना खा लो। नो वन प्लेस रिमेनिंग। चलो फिर जल्दी आ जाना खेल के। ठीक है आ जाऊंगा। फिर बाद में खेलूंगा, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। तुम सारा दिन क्या खेलते रहते हो? मैं बढ़ाकर फौजी बनूंगा, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। इतने सारे शौक हैं तुम्हारे, कभी बोलते हो फौजी बनूंगा, कभी बोलते हो फुटबॉलर बनूंगा, कभी बोलते हो स्क्वैश खेलूंगा। मैं तो फौजी बनूंगा पर वो सब भी खेलता रहूंगा। कल मेरा स्क्वैश का मैच है तो मैं ये दुआ करना कि मैं जीत जाऊं। आमीन। अच्छा तुम स्क्वैश भी खेलोगे और फौजी भी बनोगे? कैसे करूं बयां, क्या चाहिए छोटे से दिल को सब चाहिए। अरे इतने भागते हुए क्यों आ रहे हो? माशाल्लाह अल्लाह मेरे भाई को और कामयाब करे। सर्टिफिकेट तो दिखाओ। फर्स्ट पोजीशन। और अब आपको सुनाते हैं दुनिया का हाल। दुनिया में इस वक्त बहुत से मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया दूसरी जंग अजीम है और रोज सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। हमारी रब से ये दुआ है कि जल्द हमारी दुनिया में अमन कायम हो। तब तक के लिए ऑल इंडिया रेडियो लाहौर को दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर। मुल्क के हालात अब बिगड़ गए हैं, जंग में अब हांगकांग भी सेव नहीं है, अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस हमारे बाबा बता रहे थे कि जल्द ही हम अपने आबाई गांव लौट जाएंगे। हमारा आबाई गांव गुजरात में है जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कैसे करूं बयां, क्या चाहिए छोटे से दिल को सब चाहिए। राजा अजीत भट्टी सर। Sit down. Okay, sir. Give your introduction, please. My name is Raja Adit Bhatti, sir. My father name is Raja Abdullah Bhatti. I was born in Hong Kong in year 1928. We were in Hong Kong because of my father's job. Later, we migrated to Pakistan in year 1939 because of World War II. My village name is Ladia, which is located in Gujarat. I completed my education from Hong Kong. Why do you want to join military? Sir, military is my dream. I want to join army because I have passion to serve this subcontinent. I want to make proud to my entire nation and I want to serve my country and its people. I have passion to serve my people and my nation. Raja Aziz Bhatti, sir. जैसा कि आप सब जानते हैं के बरे सगीर से इस वक्त मुसलमानों को अलग वतन दे दिया गया है, तो पाकिस्तान की नौ मंतखब हुकूमत ने ये बयान दिया है कि ऑल इंडिया आर्मी में जितने मुसलमान सोल्जर थे उनको हम पाकिस्तान आर्मी में शामिल करेंगे। और अब ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं बल्कि ऑल पाकिस्तान रेडियो लाहौर है। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। Assalamu alaikum, my name is Raja Aziz Bhatti. My father name was Raja Abdullah Aziz Bhatti. I was born in Hong Kong in 1928, as you all know in the documents. And I have served all India Army for almost 1 year. Now I'm here to join Pak Army. And it was my dream to serve my country, my homeland and its people. Thank you. मेजर अजीज भट्टी सर। सर आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे ये तो हेडक्वार्टर से आई है। क्या मतलब यूनिट वापस जाना पड़ेगा, वो भी इमरजेंसी में? यानी अब जंग होके रहेगी। गुलाम सुबेदार क्या खबर है? सर दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तकरीबन 150 फौज तैनात हैं। आपकी कंपनी के दो प्लाटून नहर के उस पार हैं। जवानों
आप सबको बरकी के इस महाज पर तैनात किया गया है। यहाँ हमारे पास तकरीबन 150 की फौज है और हमारे पास तकरीबन तोप के गोले भी हैं। हमारी तादाद भले ही दुश्मन से कम हो, लेकिन हमें जज्बे से लड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने वतन को बचा के रहेंगे। आप सब ने दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं। आप हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने अपने वतन को बचाने के लिए काम सौंपा है। आप सबको ही अपने वतन को बचाना होगा। नारा तकबीर। चाय पी ले। नहीं, वहाँ पे जंग हो रही है और आपको चाय की पड़ी हुई है। हमारे जवानों ने अभी तक चाय नहीं पी और सिर्फ मैं पी लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे सर पी ले, ये मेरा साथी है, ये अच्छे निशाने लगाता है। अच्छा, ऐसी बात है, सही है, लगाओ। सर उसने सही निशाने नहीं लगाया, आप बात है। PK-72 फायर। PK-76 फायर। अस्सलाम वालेकुम सर। मेजर, हमें इतना मौसूल हुई है कि आप 5 दिन से मुसलसल लगे हुए हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि आपको वापस बुलाया जाएगा और आपकी जगह कोई और मेजर भेजा जाएगा। नहीं सर, अब अगर नया मेजर आएगा तो उसको दुश्मनों की चाल समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, और मैं इन दुश्मनों की चाल समझ गया हूँ और मैं अपने वतन के लिए लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इनकी चाल काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाऊंगा, इंशाल्लाह। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, बस दुश्मन के दांत खट्टे करके वापस आना। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। जवानों, हमें ये मिशन लीड करना है। नारा है तकबीर। गुलाम। जी सर। ये मेरी वर्दी 3-4 दिन से मैंने यही वर्दी पहनी हुई है, जरा देख कर आओ, यूनिट में मेरी दूसरी वर्दी पड़ी हुई है तो ले आओ। ओके सर। सर वर्दी तो नहीं है लेकिन दूसरे अफसर की वर्दी है, आप कहो तो वही लेके आओ। नहीं, रहने दो जवान, वर्दी और कफन अपना अपना ही पहना जाता है। जवान। जी सर। मैंने सुना है तुम लोगों के हाथ देख के उनकी तकदीरें बताते हो। जी सर, कभी कभी देख लेता हूँ। अच्छा। जी सर। ज़रा मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरे हिस्से में शहादत है या नहीं। सर, अल्लाह ताला ने आपको अच्छी सलाहियतों से नवाजा है और आप अच्छे किरदार के मालिक हैं। अरे जवान, बातें नहीं करो और ज़रा सही से देख के बताओ कि मेरे हिस्से में कोई खुशखबरी है, कोई शहादत है। सर खुशखबरी तो है लेकिन ये कब है ये नहीं बता सकता मैं। मुझे पता है, वो बहुत जल्द है। PK-76 फायर। PK-54 फायर। लो PK-82 फायर। सर मोर्चे के अंदर आ जाए, वहां खतरा है। अरे कुछ नहीं होता। अरे सर आपकी जान जा सकती है, दुश्मनों ने आपका निशाना ले लिया है। अगर वतन अजीज के लिए जान भी चली जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी। सर इस
वक्त एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर के इलाके बरकी में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर अजीज भट्टी मुल्क दफा करते हुए शहीद हो गए। DGSPR ने कंफर्म कर दिया है और उनका बयान भी सामने आया है कि मेजर अजीज भट्टी मुहाफिज लाहौर है और उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। कौम को आप पर फख्र है, इसलिए बहादुरी के पेश नज़र मेजर अजीज भट्टी को निशान हैदर से नवाजा जाएगा।